my channel. I hope that you are all fine and are having a good time. It's me, Ujala, Khana Kami channel. If you are first time watching, so welcome to my channel. So basically, where I have been and all that, basically, I'm going to go away from YouTube. But today, I'm filming this random video with you guys. And basically, some scenes were like that, the past few days, both of them were sick. Like, both of them. Irharish, both were ill. And it was like just a roller coaster for me. Like seriously, एक भी मारा, दूसरे को देखो, पहले को देखो. और तो मैं वहाँ भी थी, मैं वीडियो फिल्म नहीं कर पाई. तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक रैंडम डे, रैंडम वीडियो बनाई जाए कि घर में मैं क्या कर रही हूँ एंड ऑल दैट. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही थी जो कि सून मैं शायद रिवील कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, आई डोंट नो. बट फर्स्ट आई हैव टू एस्टैब्लिश, लाइक मैं उसे एस्टैब्लिश करूँगी, देन आई विल रिवील दिस ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स. सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक हैं और दे बोथ आर डूइंग ग्रेट. और आज फाइनली मैं फ्री हुई हूँ और मैं आज सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊँ, लाइक कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए. सो चिकन ब्रेड, मैंने सोचा क्यों ना चिकन ब्रेड बनाई जाए. और मैंने अभी अपने वो आटा ही मैं गून के आई थी कि मेरे स्लीव्स ऊपर हुए हुए थे. खैर देखते हैं चिकन ब्रेड कैसी बनती है एंड ऑल दैट. मुझे मैंने दूसरी या तीसरी बार आज बनाऊँगी, इससे पहले मैंने नहीं बनाई. और क्या देखते हैं कैसी बनती है और मैं क्या क्या करूँगी. सो या तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना आरिश को रेडी कर दिया जाए फॉर द डे. आप सुबह सुबह जितना जल्दी बच्चों को तैयार कर देते हो, आप उतना रिलैक्स होते हो कि ये बाहर चले जाएं या कोई इन्हें देख ले, तो ये नीट क्लीन रेडी फॉर द डे होते हैं. सो आरिश छोटा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना उसे रेडी कर दूँ. तो उसके मैं चुन्ने मुन्ने से कपड़े जो हैं वो प्रेस कर रही हूँ. थोड़ा सा मामा एंड बेबी टाइम है क्योंकि इसमें मैं थोड़ी बहुत इरा आरिश को दोनों को अर्ली मॉर्निंग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाती हूँ, रेडी करवाती हूँ. सो या अच्छे से लाइक खमीर डाल के से गून दिया था और इसमें अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 2 घंटे ये पड़ा रहे और ये खमीर बहुत अच्छा था और ये बहुत अच्छा स्वेल हो गया है देखें. उसके बाद जो हमारा सेकंड वो चिकन और थोड़ी सी मटर, मैंने मिक्स वेजीज भी डालूंगी इसमें. सो मैंने लहसुन डाल के और थोड़ी सी चिकन अच्छी खासी बॉइल करने के लिए रख दिया. एंड हियर आई हैव लाइक मैंने गाजरे, गोभी एंड शिमला मिर्च कद्दूकस करके इसे फ्राई करने के लिए रख दिया. सो अब चिकन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट गल गई है. सो अब मैं इसे रेशा कर लूँगी और हम अलग से फ्राई करेंगे. वेजीज मैंने यहाँ भी रख दी हैं, इसमें नमक और काली मिर्च डालूँगी. नाउ आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंड. तो चलें सबसे पहले हम एक रोटी लेते हैं और चिकन ब्रेड बनाते हैं. बेकिंग में ऑलवेज रिमेंबर, जितनी अच्छी आपकी डो मिले बनेगी उतना अच्छा आपका बेकिंग की कोई भी चीज़ बनेगी. आपकी अगर डो अच्छी है तो डजेंट मैटर आपने मसाला बीच में क्या डाला है, आपकी मज़े की चीज़ बनेगी. तो मैंने एक गोल सी रोटी बना ली और उसके बीच में मसाला रखना. सारा काम जो चिकन ब्रेड है, वेजी ब्रेड है, उस पर सिर्फ कटिंग का होता है. लाइक आपने कटिंग करनी होती है और वो क्रॉस सेक्शनल पर आपने उसको लपेट के और उसके ऊपर आपने कलवंजी डालें, तिल डालें, वट एवर यू वॉन्ट आप वो डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी अंडे की कोटिंग कर लें और यूर बेक कर लें. यूर ब्रेड इज रेडी. ये देखें जी, ब्रेड तैयार हो गई है हमारी और एक ब्रेड तैयार हो गई है. और अभी मैंने टोटल 13 बनानी है, टोटल मैंने 14 बनानी है. और या
दो छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं और ये मसाला मेरा था। ये मसाला जो हम इन तीन पे डालेंगे थोड़ा सा इसमें, मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ डिफरेंट बनाएं। चिकन ब्रेड से ज़्यादा हम लाइक एक अगर हम इसका पेड़ा एक मेन रोटी इतनी सी हमारे पास बने उसके अंदर चीज़ हम थोड़ी सी डालते हैं यही मसाला डाल के, और थोड़ी सी दरबर मिर्ची डालने के बाद आफ्टर दैट हम इसको ऊपर से पतली सी बैंडिश दे रही हूँ, पतली सी हम स्ट्रिप लगा देंगे एंड वो देखते हैं वो कैसा बनता है। सो या ओके गाइस, सो फाइनली बन गई है। आई एम सो टायर्ड, अभी चार रहती हैं बनाना क्योंकि टोटल 12 थी जो कि मैंने बनाई हैं और होपफुली वो भी अच्छी बनेंगी क्योंकि बाकी बहुत अच्छी बनी और सबको मज़ा आया है, सबने खाई है। सो यहाँ देखते हैं कैसी बाकी कैसी बनती है बनाना। सो यहाँ आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट टू हिट लाइक द बटन। सो फाइनली आई एम डन विथ कलवंजी नान। मैंने एक दो कलवंजी नान बनाए हैं और एक पिज़्ज़ा नान बनाया है और बाकी मैंने जो चिकन ब्रेड और वेजी ब्रेड्स बनाई हैं वो ये हैं सामने आप लोगों के। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को और आपको रेसिपी भी समझ आई होगी। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।